माइक्रोवेव ओवन ने जहां खाना गर्म करने का झंझट खत्म करके जिंदगी आसान की है, वहीं इसके कुछ ऐसे नुकसानात भी हैं जिनसे आम लोग वाकिफ नहीं। माहिरीन ग़िज़ाइयात का कहना है कि खाने को बार बार माइक्रोवेव ओवन में गर्म करना सेहत के लिए नुकसानदेह है। खाना बार बार गर्म करने से न सिर्फ इसके मुफीद ग़िज़ाई अज़ा खत्म हो जाते हैं बल्कि बास खानों में तो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक समझे जाने वाले बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं। ऐसे खानों में अंडे सर फहरिस्त हैं। कुछ लोग अंडे का ऑमलेट बनाने या उसे उबालने के बाद ठंडा होने पर दोबारा माइक्रोवेव ओवन में गर्म होने के लिए रख देते हैं। ग़िज़ाइयात के माहिरीन का कहना है कि ऐसा करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। अंडे या अंडों से बनी हुई कोई भी डिश दोबारा गर्म करने पर साल्मोनेला बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकते हैं। इसी तरह आलू की बनी हुई डिश को दोबारा माइक्रोवेव में गर्म करना भी सेहत के लिए मुज़र है क्योंकि इस अमल से आलुओं में सी बोटोलिनम नामी बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। चिकन का सालन भी उन ग़िज़ाओं में से है जिन्हें माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने से गुरेज करना चाहिए। बेहतर तरीका यही है कि रात के बचे हुए चिकन को अगर इस्तेमाल करना है तो उसे हल्की आंच और दरमियाने दर्जा हरारत पर किसी बर्तन में चूल्हे पर गर्म करें ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाएं। अगर चिकन को जल्दी गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखा जाएगा तो इसमें मौजूद प्रोटीन एक जहरीले मादे में तब्दील होने लगती है। ऐसी ग़िज़ा खाने से फूड पॉइजनिंग और मैदा खराब होने का एहतमाल होता है। चावलों के बारे में भी माहिरीन की यही राय है कि इन्हें बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको लाजमी तौर पर चावल खाने हैं तो फ्रिज से निकालकर फौरन उन्हें माइक्रोवेव ओवन में न डाल दें क्योंकि ये अमल बैक्टीरिया की अफजाइश का सबब बन जाता है। बेहतर तरीका यह है कि चावल फ्रिज से निकालकर बाहर रख दें और जब वो मामूल के दर्जे हरारत पर आ जाएं तो उन्हें चूल्हे पर गर्म कर लें। सी फूड या मछली के बारे में माहिरीन ग़िज़ाइयात का कहना है कि ऐसी अशिया को तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक ये फ्रिज में कम से कम 2 घंटे न रखी गई हों। अगर समुंदर से हासिल होने वाली ग़िज़ाओं को सर दर्जा हरारत में न रखा जाए तो इनमें बैक्टीरिया पैदा होने का इम्कान रहता है जो कि गर्म करने से भी खत्म नहीं होता, और ये सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।